हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग फ़ोन है तो नथिंग फ़ोन में आप कैसे डाटा सेवर को कैसे इनेबल कर सकते हैं और स्मार्ट डाटा सेवर इनेबल करके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं नथिंग फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन आइकन सेटिंग्स से आपकी ओपन हो जाएगी। तो कैसे स्मार्ट डाटा सेवर को आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है। फिर आपको डाटा सेवर पे चले जाना है। तो इस पे जाकर आप डाटा सेवर को यहाँ से इस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करते ही डाटा सेवर आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा और इससे अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा आप सेव कर सकते हैं, जिससे आपका जो डाटा धीरे धीरे यूसेज होगा, जिससे आपका डाटा सेव होता है। और चाहें तो अनरिस्ट्रिक्ट डाटा का यूज़ भी आप कर सकते हैं, यानी किसी भी ऐप्स का डाटा भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी डाटा को सेव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यूट्यूब के जरिए भी डाटा सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से डाटा सेवर का यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल डाटा भी सेव कर सकते हैं नथिंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को शेयर करें।